गाने के चक्कर में हुआ था सब पूरा डीजे बंद करवा रहे थे सब लोग यहाँ के सब सब पे जैसे कि जो यहाँ पे पब्लिक उठा थी जो जो विसर्जन करने जा रहे थे उन पर लाठीचार्ज हो गई इसी संभावना से इसी और बवाल स्टार्ट हो गया बड़ा हो गया गाने के ऊपर बात चली थी अब गाने के उपरांत में जैसे मान लो यहाँ हम थे नहीं तो सामने की बात है ही नहीं फिलहाल हम घाट पर पहुंच जा चुके थे वहां से यही पता चला कि वहाँ गाने के उपरांत में ऐसा हुआ कि गाना बंद कर दीजिए कहीं क्यों बंद कर दे अब उसी में बढ़ता गया क्या हुआ ढीला बहान मूर्ति टूट गई अब इसके आगे जितना बढ़ता गया वह सिस्टम हो तो जाने उत्तर प्रदेश के बहराइच के महाराजगंज में जहां पर एक युवक की हत्या हुई और उसके बाद यहां पर लोगों का आक्रोश और बवाल इतना बढ़ गया कि सड़कों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई दुकानें जलाई गई और घरों को नुकसान पहुंचाया गया ये वही महाराजगंज का इलाका है आप देख सकते हैं कि ये जली हुई ई रिक्शा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इसके अलावा यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि तोड़फोड़ की गई थी यहाँ पर भारी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है जब से ये घटना घटी है लेकिन इस घटना के घटने से पहले एक जो बड़ी घटना घटी जिसकी वजह से लोगों का आक्रोश फूटा जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा सामने आया वो घटना थी जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी दुर्गा विसर्जन के लिए उस वक्त उस पर आरोप है कि पथराव किया गया और डीजे बंद करने के लिए जो विवाद शुरू हुआ वो हत्या तक पहुंच गया बहुत बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल थे और यहीं से गुजर रहे थे मैं आपको जरा बता देना चाहता हूं दिखा देना चाहता हूं कि यहां पर आपको जो दुकान और मकान ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं ये दो चार घर यहां पर हिंदुओं के हैं और बाकी यहां के जो मकान या दुकान हैं वो सब मुस्लिमों के हैं मुसलमानों के हैं बड़ी आबादी यहाँ पर मुस्लिम की है और आप सामने देख सकते हैं जो मस्जिद है यहीं से जब यात्रा निकल रही थी तो उसके उसी दौरान यहाँ डीजे को लेकर यानी कि जो गाना बज रहा था डीजे पर उसको लेकर विवाद हुआ उसे बंद करने के लिए कहा गया दोनों तरफ से लोग आमने सामने हो गए, पथराव हुआ और बाद में पुलिस यहां पर पहुंचती है और दोनों ही जो आमने सामने खड़े लोग थे, दोनों ही समुदाय के लोग उनको यहां से हटाने की कोशिश की जाती है लेकिन कुछ ही देर के बाद राम गोपाल मिश्रा की कर ले जाने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है अभी आप देख रहे हैं कि देखिए पुलिस गश्त लगा रही है यहाँ पर और सन्नाटा पसरा हुआ है बिल्कुल आपको यहां पर कुछ नजर नहीं आएगा लोग क्योंकि अपने घरों में या तो बंद हैं या फिर जिनको यहाँ डर था वो यहाँ से जा चुके हैं सिर्फ पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे इक्का दुक्का ही अगर कहीं कोई आपको नजर आ जाए तो वो लोग आपको नजर आएंगे ये यह देखिए यहाँ पर एक घर है जहाँ पर ऊपर जय माता दी का झंडा लगा हुआ है पताखा लगा हुआ है और यहाँ एक व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं क्या नाम है जी आपका जी मेरा नाम चंदन मिश्रा है चंदन जी।, जी चंदन भाई क्या हुआ था जब बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे बवाल हो गया था आप लोग थे उस टाइम पे उस टाइम यहाँ पे नहीं थे हम थोड़ी पास में गए थे तो इसमें जब यहाँ पे आया तब तो यहाँ पे सब हो गया था मर्डर सब हो गया था अच्छा। गोली वोली चल गई थी सुने थे सुनने में आया था मौजूद नहीं थे यहाँ पे तो क्या बताया घर के लोगों ने बताया होगा या आस पड़ोस के लोगों ने बताया क्या हुआ था यहाँ पे वो गाने के चक्कर में हुआ था सब पूरा डीजे बंद करवा रहे थे सब लोग अच्छा। यहाँ के अच्छा जी तो दूसरे समुदाय के लोग थे हाँ यहाँ दूसरे समुदाय के लोग थे अच्छा फिर बाद में एक युवक की हत्या हो जाती है जिसका नाम राम मिश्रा है जी जी बाईस साल का जी अच्छा रेवा मंसूर का रहने वाला है वो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यहाँ पुलिस आई और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि जैसे लाठीचार्ज हो गया, सब, सब गया। इसी संभावना इसी अभी क्या हालात है मैं देख रहा हूँ की बिल्कुल कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है आप भी अपने घर के अंदर ही खड़े है और सिर्फ पुलिस नजर आ रही है अभी तो पूरा सही है जैसे कि जब प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रही है ना तो इसी हिसाब से पूरा सही है कंट्रोल में है सब जी इसमें एक डर सा बना रहता है जैसे कभी कुछ प्रशासन जब मान चलो अगर कुछ ना हो कहीं मतलब एक जगह जैसे हर जगह होना चाहिए इसलिए तो आप लोगों को अभी किसी तरह का कोई भय या डर नहीं कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ दो चार घर ही मुझे पता लगा है कि हिंदुओं के हैं इस इलाके में इस, इस, इस महाराजगंज के इस जिस मोहल्ले में जहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह पे दो चार घर हैं बस अच्छा जी तो ऐसे में आप लोगों को ये डर तो नहीं सता रहा है कि जब ये पुलिस यहाँ से चली जाएगी या यहाँ से लोग मीडिया वाले चले जाएंगे तो उस वक्त भी कुछ बवाल हो जाए कुछ दिक्कत हो वैसे अभी तो सता नहीं रहा है बाकी आगे क्या होता है क्या पता वैसे अमूमन यहाँ का माहौल कैसा रहता है उस रात तो घटना घटी लेकिन उससे पहले सही था उससे पहले माहौल सही था पूरा उससे पहले कोई दिक्कत नहीं था और वो वो लोग जिन्होंने बवाल किया उनके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी मिली किसी ने बताया कि कौन है वो लोग कहाँ से आए थे यहीं के रहने वाले थे या बाहर के थे ये हमको नहीं पता है सर जैसे ये ये वो घर तो बता है क्योंकि वो घर में सब थे बता रहे थे सब हाँ। लोग बता रहे थे इसलिए हमको भी पता है हाँ, हाँ। बाकी ये नहीं पता की वो कहाँ के थे अच्छा जी तो उसके बाद अभी आप लोगों का क्योंकि 48 घंटे के लिए नेट बंद है जी जी। इसके अलावा दुकानें बंद हैं सब कुछ बंद है यहाँ पर तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रही है बच्चों के जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं इनको दूध बाहर से आता था तो उसकी दिक्कत है बिस्किट की दिक्कत है ये सब तो दिक्कत होती ही रहती है लेकिन किसी तरह एडजस्ट करते हैं हम लोग जी आप लोगों को लग रहा है की सब सामान्य हो जाएगा जल्दी अब सामान्य जब तक वो आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक सामान कहाँ होगा सर ये चीज है ना हिंदू समुदाय के लोग क्या चाहते हैं हिंदू समुदाय के लोग चाहते हैं कि मतलब कि जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए यही चीज है जो आरोपी है जिन्होंने, हत्या को अंजाम जिन्होंने हत्या अंजाम किया है। और यही वजह है कि जो हिंदुओं ने और जो आक्रोशित लोग थे जिनको ये लग रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए हत्या जैसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया और देखिए शीशे के टुकड़े आपको बिखरे हुए नजर आएंगे बताया जा रहा है कि जब यहाँ से डीजे और पूरी शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस वक्त यहाँ पर पथराव किया गया था यहाँ से जो गाड़ियाँ निकल रही थी उनको तोड़ा फोड़ा गया था जिसके बाद बवाल बढ़ा फिलहाल आपको बता दें कि आ, इस पूरे इलाके में जो घटना घटी उसके बाद अब बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है हालांकि मोबाइल सेवा चालू है लेकिन 48 घंटे के लिए जो सेवा बंद हुई इंटरनेट की वो कल 12 बजे से लेकर आज और कल तक बंद रहेगी उसके बाद शायद इंटरनेट की सेवा बहाल हो जाए लेकिन इस बीच लोगों का जो जीवन है वो सामान्य नहीं है भले ही शांति है लेकिन जीवन सामान्य नहीं है लोग अपने घर से निकलने से डर रहे हैं आ, लोग अपने मोहल्ले और अपने बाजारों में भी आ, नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन की मुस्तैदी है दूसरी तरफ किसी तरह की अप्रिय घटना फिर से ना हो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है